कोरबा के रिजली चौराहे पर हुई दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वह बाइक पर सवार थी जिसे वाहन ने टक्कर मार दी। पीड़िता को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी किरण गुप्ता ने बताया कि इस मामले में दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन जब्त कर लिया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम की शुरुआत 15 जनवरी से कोरबा जिले में की जानी है। इससे 24 घंटे पहले नगर के रिजदी चौराहे के नजदीक हुई सड़क दुर्घटना में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वह अपने परिजन के साथ एक गांव जाने के लिए निकली हुई थी। कॉलोनी से चौराहे तक पहुंचने के साथ ही बालकों की तरफ से आ रही राखड़ लोड ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे बाइक चालक और पीछे बैठी महिला मौके पर गिर पड़े। दुर्घटना में महिला का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। दुर्घटना के बाद यहां लोगों की भीड़ लग गई। काफी जल्द व्यवस्था करने के साथ पीड़िता को अस्पताल भिजवाने की कार्रवाई की गई। पीड़िता के परिजन ने बताया कि उसका छोटा भाई और बहू गांव जाने के लिए रवाना हुए थे। रिजदी चौराहा पहुंचने के साथ वे दुर्घटना में घायल हो गए। रिजदी क्षेत्र के निवासी राजू बरेठ ने राख ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन कारणों से ही लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। विगत कुछ महीनों से लगातार जो इस मार्ग पे जो दुर्घटनाएं हुई है जिसमें मुख्य कारण ट्रक जिसपे राख के कारण ही दुर्घटना हुआ है और सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। दुर्घटना की खबर होने पर सिविल लाइन पुलिस थाना प्रभारी किरण गुप्ता यहां पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है और अगली कार्रवाई की जा रही है। रिजदी चौक के पास ही ये इसके द्वारा एक औरत को ठोकर पहुँचाया गया है जिसको जिसके पैर में चोट लगी है और महिला को हॉस्पिटल भेजा गया है। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं और यही कारण है कि भारत सरकार ने पिछले दिनों मोटर व्हीकल एक्ट में कई बदलाव किए हैं। कुछ समय तक इसे लेकर चौतरफा हो हल्ला हुआ। कुछ दिनों के लिए इस मामले को टाल दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस तरफ अगली प्रक्रियाओं को बढ़ाया जाएगा। कोरबा से पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।